अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको छोलों का पुलाव बनाना सिखाऊंगी। इसे आप चने का पुलाव भी कहते हैं। तो चले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 किलो यहाँ पर मैंने चावल लिए, इसे मैंने भिगो दिया था 1 घंटे के लिए। यहाँ पर मैंने 3 कप छोले लिए हैं, इसे मैंने बॉईल कर लिया था। और 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, इसे मैंने ग्राइंडर कर लिया था। और यहाँ पर मैंने 1 अदद प्याज ली है और 3-4 हरी मिर्चों को मैंने पीस लिया था। और ये मैंने कुछ साबुत हरी मिर्चें ली हैं। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। और उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर नमक और यहाँ पर 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। यहाँ मैंने सौंफ और जायफल जावित्री को पीस लिया था। और ये मैंने गरम मसाला लिया है, फूल वगैरह हैं और इसके अंदर दालचीनी वगैरह है। और ये मैंने लिया है ज़ीरा और धनिया को भूनकर पीस लिया था। और यहाँ पर मैंने नींबू लिया है 1 और पुदीना और हरा धनिया लिया है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 कप ऑयल लिया है और इसके अंदर मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ी सी हमारी प्याज फ्राई हो जाएगी तो उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे गरम मसाला। अब इसके अंदर हम गरम मसाला डाल देंगे, फूल, दालचीनी वगैरह, ये सब चीज़ें डाल देंगे हम इसके अंदर। और फिर इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे। उसके बाद हम 1 टेबल स्पून इसके अंदर ज़ीरा डाल देंगे, ये साबुत ज़ीरा है। और फिर से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटो प्यूरी। ये मैंने 3 टमाटर लिए थे, इसको ग्राइंडर कर लिया था। और फिर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम। और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे सारे स्पाइसेस अपने, सारे स्पाइसेस डाल दूंगी मैं इसके अंदर। और फिर से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। टमाटर अगर ग्राइंड करके डालें तो मसाले में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। और फिर उसके बाद इसके अंदर हम अच्छी तरह इसको पहले मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर ये मैंने हरी मिर्चों को मैंने पीस लिया था तो ये वो डाल दूंगी मैं। और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये मसाला लगे ना। देखिए हमारा मसाला भून चुका है, अब इसके अंदर हम छोले डाल देंगे। और फिर से हम अच्छी तरह छोलों को मिक्स कर लेंगे। ये मेरे छोले बॉईल हुए हुए थे तो इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद इसके अंदर मैं डाल दूंगी नींबू। थोड़ी सी खटास के लिए हम इसके अंदर 1 नींबू डाला है मैंने। और फिर इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। और उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और फिर हरी मिर्चें डाल देंगे इसके अंदर। और फिर उसके बाद हम इसे ढक के रख देंगे ताकि इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाए। देखिए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे छोले तैयार हैं। और उसके बाद अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी चावलों को। ये मैंने 1 घंटा चावल को भिगोया हुआ था। सारे चावल हम इसके अंदर डाल देंगे। और फिर इसके अंदर मैं
2 कप पानी डालूंगी। ये मेरा बड़ा जग है तो इसके अंदर 2 गिलास आते हैं, तो तकरीबन मैंने इसके अंदर 4 गिलास पानी डाला है। और उसके बाद इसके अंदर मैं फिर थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना डाल दूंगी और थोड़ी सी कुछ हरी मिर्ची डाल देंगे हम। और उसके बाद हम इसे थोड़ा सा चलाएंगे और फिर इसके बाद इसे ढक के रख देंगे। ये देखें हमारे चावल तकरीबन हो चुके हैं। इस पॉइंट पे आके हम इसको दम पे लगा देंगे। 10-15 मिनट के लिए इसे दम पे लगा दिएगा। और ये देखें हमारे ज़बरदस्त से छोले का पुलाव तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।